देश भर में अब तक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कुल 12 राज्यों में इस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस का नया रूप एक बार फिर डरा रहा है और ऐसे में सवाल ये कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है। इन सभी मुद्दों पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे और आज चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वैक्सीन जागरूकता समिति के सदस्य डॉक्टर समीर भाटी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या आपको भी लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? और क्योंकि आप तो वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर भी हैं, फाइंडिंग्स क्या कह रही हैं अभी तक की, वैक्सीन कितनी कारगर इस वेरिएंट पर? जी, एक तो जो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा कि तैयार, तो डेफिनेटली इस बार हम डेटा का बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे। जिस तरह से हम पहले हमारे पास जिस तरह से वेरिएंट आ रहा था, कोई भी नया सेकेंड वेव की भी बात करें, जिस टाइम डबल म्यूटेंट आया था, हमें लग रहा था कि कुछ केसेस कम है, अभी कुछ ही राज्यों तक सीमित है, जैसे पहले महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। तो इस बार हम वो वाला जो है स्ट्रेटेजी नहीं अपना सकते, इस बार हमें प्रोएक्टिवली मैनेज करना ही पड़ेगा। और अभी जैसे हमने देखा, अगर ट्रेंड देखें, अगर इनिशियली तो आप देखिए 7 केसेस थे, फिर 12 केसेस हुए, अब 50 केसेस हो गए, अपवर्ड ट्रेंड है। इसके अलावा हम देखें 3 राज्यों में था, फिर 8 राज्यों में हुआ, अब 12 राज्यों में हो गया। तो स्प्रेड तो हो ही रहा है, नंबर ऑफ केसेस कम है क्योंकि जीनोम सिक्वेंसिंग अभी उतरी नहीं हुई। अगर जीनोम सिक्वेंसिंग ज्यादा होगी तो केसेस भी सामने ज्यादा आएंगे। इसके अलावा अगर आप जो वैक्सीन वाली बात करें, देखिए वैक्सीन के ऊपर अगर जितनी जो अभी डेटा मिल रहा है, सिंगल वैक्सीन के ऊपर बात क्यों उठ रही है, क्योंकि जो इसका स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर जो चेंजेस आया है, उसके अंदर जो म्यूटेशन हुई है, ये वाली म्यूटेशन भी पहले से पता था। ये वाली म्यूटेशन ऑलरेडी आपका जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, जिसको हम बीटा वेरिएंट कह रहे हैं, उसके अंदर ऑलरेडी स्टडी की गई थी कि उसके अंदर वैक्सीन की एफिकेसी कम होती है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वैक्सीन उस पर इफेक्टिव नहीं होगी। अभी भी फिलहाल जो कुछ स्टडीज आई है इसके अंदर, सिंगल डोज की भी इसमें जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो 40-50% और दोनों डोजेस की जो वैक्सीन की एफिकेसी रहेगी अराउंड 60-70% रहेगी। और वैसे भी अगर वैक्सीन की एफिकेसी की हम बात करें तो जो डीसीजीआई अप्रूव करता है वैक्सीन को, तो 60% से अबव वाली जो एफिकेसी होती है वही वैक्सीन अप्रूव होती है। तो हमारी जो दोनों वैक्सीन अभी फिलहाल अवेलेबल हैं, उन दोनों की जो एफिकेसी है 80-90%। तो वैसे भी बफर है हमारे पास की, अगर ओवरऑल में ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, डेल्टा पर भी किसी भी वेरिएंट के ऊपर एफिकेसी रहती है, एफिकेसी कम हो जाती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और यूके के अंदर एस्ट्राजेनिका के ऊपर स्टडीज हुई है जिसके अंदर इसकी एफिकेसी अच्छी पाई गई है। फिलहाल अभी ये सब चीजें और भी डेटा आने का हम वेट कर रहे हैं, पर आप जो एमपी के केसेस है वो देखिए, वहां पे जो 7 केसेस आए हैं, उन 7 केसेस के अंदर ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के, उनके अंदर जो 3 पेशेंट्स थे जो वैक्सीनेटेड थे, उनको सिंगल डोज लगी थी या डबल डोज लगी थी ये तो नहीं पता, हाँ, पर उनको सीवियरिटी ऑफ डिजीज नहीं हुई, गंभीरता नहीं हुई, है ना। और उनमें से जो 4 लोग थे वो वैक्सीनेटेड नहीं थे, उनको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा। तो ये जो कुछ कुछ डेटा है इसके हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं, जैसा कि सभी पैनलिस्ट ने बताया कि अभी ज्यादा डेटा नहीं है, फिर भी हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। इसमें एक चीज जानने वाली बात जरूरी है कि अभी फिलहाल हम बात करें तो सेकेंड वेव भी हमारी पूरी तरह से गई नहीं है। आपने देखा होगा कि जो हमारी पीक गई है इस बार 4 लाख के करीब, और अभी भी 50,000 के करीब केसेज आ रहे हैं। जब हमारी पीक 1 लाख पे थी और तब 50,000 केसेज आए थे, उस टाइम हमारी जो है अवेयरनेस और अलर्टनेस कैसी थी, और अभी हमारी एकदम से जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं बाहर, तो उसमें काफी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस है। हर एक रिसर्च को और हर एक चीज को हमें बहुत ही अटेंटिवली देखना पड़ेगा। हाँ, डेटाबेस होता है, पर इस बार हम हर चीज को बहुत ही सतर्कता से और अलर्टनेस से देख रहे हैं, ताकि जो सेकेंड वेव में कुछ कुछ चीजें रह गई थी वो इस बार ना रहे किसी भी तरह की। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत जल्दी से और भी वेरिएंट आ सकता है, और भी नया वेरिएंट आ सकता है, और भी खतरनाक वेरिएंट आ सकता है। जब तक सब सेफ, मतलब सभी को सेफ होना जरूरी है, मतलब जब तक सब सेफ नहीं है तब तक कोई भी सेफ नहीं है। हार्ड इम्यूनिटी तब तक नहीं आएगी तब तक नए नई तरह के वेरिएंट आ सकते हैं। शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।